और ऐसी ऐसी स्थिति में अब तो तुम्हें पता है कि 10,000 घोड़े सफेद रंग के एक दाग ना हो आना कितनी कठिनता की बात है, लेकिन उसने उसको सिद्ध करके बताया। ऐसी स्थिति तो प्रहलाद को जानते हैं, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, उसकी उसका बेटा था विरोचन, और एक ऋषि थे सुधन्वा। हुआ ये कि हम देख रहे थे कि वो सुधन्वा और विरोचन का एक ही राजकुमारी पर दोनों का दिल गया, दोनों भी एक ही राजकुमारी को शादी करना चाहते थे। दोनों गए, दोनों वो ऋषि था और ये राजकुमार था, तो उसने बताया कि मैं फलाने राजा की राजकुमारी को शादी करना चाहता हूँ। सुधन्वा ने कहा, किस बिना पर तू शादी करना चाहता है? मैं बोला, राज क्षत्रिय हूँ, राजकुमार। उसने कहा, मैं उससे प्रेम किया हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, निर्णय कौन करे? निर्णय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, ये इन दोनों के झगड़े में आना ही नहीं, हमें निर्णय नहीं करना है, आप जाकर बच्चे से पूछ लो, लड़की से पूछ लो। लड़की के पास गए और लड़की से राजकुमारी से पूछा कि तो हम दोनों में किसके साथ शादी करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जो सामर्थ्यवान है उसके साथ शादी करूंगी। अब इस सामर्थ्यवान का निर्णय कौन करें? कहां भी गए, नारद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी के पास गए, किसने निर्णय नहीं दिया? आखिर सब लोग बोल क्या है, विष्णु भक्त जो हमारे प्रहलाद जी हैं, हम उसी के उन्हीं के पास ले जाए, उन्हीं के पास जाकर न्याय का निर्णय करेंगे। विरोचन ने कहा, मैं तैयार। सुधन्वा जोशी थे, उन्होंने कहा, मैं भी तैयार। दोनों प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद जी बैठे हुए थे, तो प्रहलाद जी के पास जब ये समस्या सामने रखी तो प्रहलाद जी ने कहा, ये तो मेरा बेटा है, मैं कल के दिन मेरे बेटे के फेवर में कुछ भी बात कर सकता हूँ, आपने मुझ पर कैसा विश्वास किया? उन्होंने कहा, आप नारायण भक्त विष्णु भक्त हैं, आप कभी मुझे अन्याय नहीं करेंगे, और जिसका सामर्थ्य देखेंगे उसके सामर्थ्य के बारे में बोलेंगे, और जो अन्याय करता है उसको 7 जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है, मैं तुम्हारे से यही चाहता हूँ कि तुम मुझ पर न्याय करेंगे। दोनों को सामर्थ्य के लिए बिठाया गया, शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में दोनों भी एक समान थे, युद्ध कौशलता हुई, एक राक्षस को मारना था, तो एक राक्षस को उन्होंने कहा, तू शस्त्र से मार, मैं मंत्र से मारता हूँ, और उन्होंने शस्त्र से आघात किया और मंत्र से आघात किया और राक्षसों को मार दिया। सामर्थ्य में किसी प्रकार का दोनों की कमी नहीं थी। अब आगे प्रहलाद को ये कहना पड़ा कि अब किसको मैं कहूँ कि तुम उसके साथ शादी करो, किसी में भी दोनों भी कमी नहीं चल रही। आखिर में सुधन्वा ने कहा कि हे राजा प्रहलाद जी, मैं आपके घर जब भी आता हूँ, आप मेरे चरण धोकर मेरे चरण पीठ लेते हो, आप मुझे मेरा सम्मान करते हो, तो मैं सम्माननीय व्यक्ति आपको, मैं बड़ा या आपका पुत्र बड़ा, मुझे मेरा सम्मान करते हो, तो ऋषि संपन्न व्यक्ति समझते हो, तो आप मुझे ही श्रेष्ठ समझते हो ना, ऐसा उन्होंने कहा। श्रेष्ठ समझने की बात अलग है, सामर्थ्यवान समझने की बात अलग है। तब उन्होंने कहा कि इस संसार में दोनों में से कोई एक उपद्रव मचाएगा और कोई एक उसको शांत करेगा, जो शांत किया उसके साथ शादी करवा दूंगा। राजकुमार ने अग्नियास्त्र छोड़ा, अग्नियास्त्र छोड़ने से संसार में हाहाकार मच गया, और उन्होंने वरुण मंत्र बोला और उस अग्नि को शांत किया। बाद में इन्होंने अग्नि मंत्र बोला और वरुणास्त्र छोड़ा, लेकिन इनका वरुणास्त्र पहले से काम कर रहा था, वरुण मंत्र काम कर रहा था, वरुणास्त्र वहां पर जाकर वापस आ गया। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा बेटा सामर्थ्यवान नहीं है और सुधन्वा ही जीत गए, लेकिन उसके पीछे पहले एक शर्त था, जो भी दोनों में हार जाएगा उसको अगला मार देगा, खत्म कर देगा। अब बात यह है कि पुत्र का प्रेम बताएं, क्योंकि हार तो उनका बेटा गया था, अपने बेटे को वो मारना था, क्योंकि उनका कहना था कि दोनों में कोई भी एक बचे तो लड़की के पीछे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं लड़की के पीछे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कैसा हो फिर, दोनों में एक ही रहना चाहिए कोई। प्रहलाद जी ने कहा, मेरा बेटा हार गया है और आपको मैं मेरा बेटा सौंप रहा हूं, उसको मारे या तारे तुम्हारे हाथ में, सुधन्वा मैं आपको दे रहा हूं। सुधन्वा ने प्रहलाद जी के उस न्याय को स्वीकारा और कहा,
प्रहलाद जी, मैं आपके न्याय को स्वीकारता हूँ, आपने आपके बच्चे को मुझे सौंपा है, मैं एक शर्त पर आपके बच्चे को आपको देता हूँ कि वह मन तन धन से कभी स्त्री को उसके जीवन में न स्मरण करेगा न इसके तरफ आएगा, ये बात का वचन देता है तो मैं इसको मृत्युदंड से आगे करता हूँ। और उन्होंने उसको मृत्युदंड से आगे किया। जब सुधर्मा के साथ उस लड़की की शादी हुई तो लड़की सुधर्मा से कहती है कि आपने अपने मंत्रार्थ पर मुझे जीता, लेकिन क्या कभी आपने मेरा मन पूछा कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ? कभी आपने पूछा? आपको तो दोनों तो आपके आपके शर्त पर रह गए और आपने शादी आपका राजा आपका जो महिमा है समस्या है रच दिया और आप मुझे ले जा रहे हैं। कभी आपने पूछा कि मेरे साथ मेरा मन क्या कहता है? तो सुधर्मा ने कहा तुम यहाँ खड़ी रह जाओ, मैं भी खड़े रहता हूँ, तेरे मन में जो भी है तू कह दे, मैं देखता हूँ कि तू क्या कहते है। और तू अगर कहती है कि मैं तुझे पसंद नहीं हूँ तो इस क्षण में तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मेरे पिताजी की भी तो आज्ञा हो, पिताजी भी आए, उस लड़के को भी लेके आए जो वहाँ खड़ा था। अगर ये कहते हैं कोई भी कि मैं इनको नहीं चाहती, सुधर्मा को नहीं चाहती, तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। सब लोग खड़े रह गए, लेकिन हुआ क्या कि छिन्नमस्ता के साधक थे, उनने छिन्नमस्ता का मंत्र पढ़ा और कहा कि वो लड़की मन से मुझे चाहती है और हमारा विवाह श्रेष्ठ है तो भगवान पुष्प वर्षा करवाएंगे। और उन्होंने छिन्नमस्ता मंत्र का मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। उस लड़के ने और राजा ने, तीनों ने कहा कि हम तुम्हें ही चाहते हैं कि तुम ही हमारे घर का दामाद और वर हो। ये देखकर वो तो आश्चर्य में रह गए कि मैं मन में अलग बात समझी थी और ये अलग बात हो गई, तो ये तुम्हारा मन में जो बात थी वो असंभव थी, उसको संभव करना मैं छिन्नमस्ता साधना से किया हूँ और तुम मेरी ही होगी, इस जन्म ने 7 जन्मों तक तो मेरी होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। और उन्होंने उस छिन्नमस्ता साधना के मंत्र पर उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? यह असंभव था। प्रहलाद का बेटा खुद मारने के लिए, प्रहलाद चाहते तो अपने बेटे को उस लड़की को दे सकते थे, लेकिन उतने राजा उतने समर्थवान होने पर भी इस साधना से उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। ऐसे ही हम एक बार कभी इस अध्यात्म रामायण में या अद्भुत रामायण नाम की किताबें हैं, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं मुझे पता नहीं, उसमें एक घटना आती है कि जब रामचंद्र जी सारे लंका को जीत कर जाते हैं और विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और लंका में विभीषण राज करते रहते हैं, तो कुंभकर्ण का जैसा मेघनाद रावण का बेटा था, कुंभकर्ण का एक बेटा रहता है, वो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण राम कहता है अगर ये मेरे राज्य में रहा तो मेरा राज्य का सर्वनाश होगा, कुंभकर्ण इसको बाहर फेंक दे, और उसको उठा के जंगल में समुद्र के बाहर फेंक देते हैं। उसका नाम हुआ मूलकासुर। वो घनघोर तपस्या करता है और कहता है कि मेरे लंका को और मेरे पिता मेरे चाचा इन सभी को मारने वाला वो राम किस तरह जीवित रहे, और विभीषण को राज्याभिषेक करके जाता है तो इसको विभीषण को भी मैं खत्म कर दूंगा और बाद में राम को देखूंगा। ये बात जब विभीषण को मालूम हुई तो विभीषण भागते हुए रामचंद्र जी के पास आ गए, बोले वो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है और उसको हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, राम प्रभु मुझे बचा लो। रामचंद्र जी ने कहा मेरे पास इतनी वानर सेना है, मेरा हनुमान है, एक बस है हनुमान उसको देखने के लिए, उसका नाम था मूलकासुर, मूल नक्षत्र में होने के कारण उसका नाम मूलकासुर रखा गया। तो हनुमान जी को और सभी लोगों को कहा जाके उस असुर को देख लो। हनुमान जी जैसे ही गए तो हनुमान जी को उसने एक ही बाण से मूर्छित कर दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए। ये बात जब रामचंद्र जी को पता चली कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, उसके बाद एक एक करके जाने लगे, शत्रुघ्न गए, लक्ष्मण गए, सब गए, आखिर में राम भी गए, विभीषण भी गए, प्रभु सब लोग नीचे गिर जा रहे हैं, उसके सामने खड़े उसको ब्रह्मा का वरदान। तब रामचंद्र जी ने ध्यान में देखा कि इसको वरदान क्या है। उन्होंने कहा कि इसको अगर कोई मार सकती है तो कोई स्त्री ही मार सकती है। अब वे विचार करने लगे किस स्त्री को लाऊं मारने के लिए, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, अगर दूसरी किसी स्त्री को लाया तो स्त्री कहेगी कि रामचंद्र जी मैंने आपको सहायता की है, आप मेरे पति बन जाओ, मैं नहीं नहीं कह सकता, किसको बुलाऊं? सीता को ही बुलाना है, सीता तो अपनी जगह वाल्मीकि आश्रम में थी।
हनुमान जी और सभी ने लव कुश, सभी लोग युद्ध गए लेकिन सभी लोग हार गए। लव कुश ने माता सीता को अवमानित किया,